एफ से कोई खुश नहीं होता सबको लगता है छ टका मिलेगा उसमें से चार टका तो इन्फ्लेशन में अगर जाए तो हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला कि अरे यार ये सौ रुपये का ऑप्शन इमीडिएटली दो सौ रुपये स्टॉक तो ऐसे नहीं जाता कि सौ रुपये का हो गया और दूसरे दिन दो सौ हो गया ऐसा तो नहीं होता पाँच छह लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में दो तीन लाख प्रॉफिट हो गया तो मैं सोचा ये तो जादू की छड़ी है इससे तो अपनी लाइफ बन जाएगी ट्रेडिंग में तो इतना बड़ा लॉस हो गया तब तक मैं चालीस पैंतालीस लाख लॉस कर चुका था सगड़े एकत्र देते हैं ये समझने लग गया कि रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है डिसिप्लिन कोई चीज होती है और कहीं से तो भी मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है तो मुझे वो रिकवर करना है ये परफेक्ट है कि जब हमारा लॉस हो जाता है ना उसके बाद बात आ जाती है प्राइस मूव हो रही है मार्केट मूव हो रहा है रोज का लाखों करोड़ों का टर्न ओवर हो रहा है कोई तो पैसा बना रहे हम नहीं बना रहे दैट ये अपनी गलती है तब फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये बस टेक्निकल एनालिसिस नहीं है ये मार्केट की एक साइकोलॉजी मार्केट का मूव करने का एक तरीका है हमको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा बस इतना ही होता है कि आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं बना 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 अगर बनाए हैं तो उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है और वन इंडेक्स इज इनफ टू मेक अ लिविंग नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ ज्योति बुदिया मुझे तो खैर थर्टी एट थर्टी नाइन ईयर्स हो ही गए इस मार्केट में बट द यंगस्टर्स जो आ रहे हैं दस साल हो गए पाँच साल हो गए दो साल हो गए वो बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आज ऐसे ही एक यंग गेस्ट हमारे साथ में है मिस्टर विजय ठाकरे करीब इनको दस ग्यारह साल हो गया और ये स्कैल्पर है इतनी अच्छी स्कैल्पिंग करते हैं इतनी अच्छी कि मैंने खुद इनके पास से सीखा कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और मुझे बहुत मजा आया ऐसा नहीं है हर किसी के पास से सीखने का मौका मिलता है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उन्हीं की ट्रिक्स उन्हीं से बातें करते हैं उन्हीं से चीजें सीखते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ अपने काम की चीज निकल जाए और हम लोग और भी हो जाए अपनी ट्रेडिंग में तो आइए मिलते हैं मिस्टर विजय ठाकरे से नमस्ते विजय ठाकरे सर नमस्ते मैम वेलकम टू आर शो थैंक यू दस साल की जर्नी छोटी नहीं होती Definitely. और दस साल के बाद भी आप कहते हो कि आप प्रॉफिटेबल हो तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मार्केट में टिके रहना दस साल बहुत बड़ी बात है right. अभी का मार्केट जो चल रहा है वो तो आराम गराम टाइप का हो गया है और फ्रेंड्स आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि एक दिन मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुल रहा है 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है तो 200 पॉइंट गैप अप खुल रहा है मतलब इतना वॉलिटाइल नहीं कहूंगी इसे क्योंकि खुलता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है दूसरे दिन दो ढाई से ऊपर नीचे खुल जाता है और वही साइडवेज हो जाता है ये जो सिनेरियो होते हैं ऐसे में भी स्कैल्पर्स कमा लेते हैं ट्रेंडिंग है तो भी स्कैल्पस कमा लेते हैं कैसा भी मार्केट हो वॉलटाइल ट्रेंडिंग साइडवेज लेकिन हर एक का स्टाइल अलग होता है तो विजय जी आप हमें पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने यू uh, नो you know, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है तो आई एम थैंक यू सो मच और प्रिविलेज है कि मैं आप आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहा करो तो मैं तो एक्चुअली ये सोचूंगा कि uh, हमारे बातचीत में, में से मैं इसमें से क्या लर्निंग लेके जाऊँ यूजर्स तो ठीक है व्यूअर्स है सब कुछ है सबको लर्निंग मिलेगी बट मुझे भी ये एक है कि यू you नो know, हम जब जो डिस्कशन करेंगे उसमें से मुझे भी एक क्या लर्निंग लेके जा सकता हूँ मैं तो आ, जैसे कि आ, हर एक कोई यू नो मार्केट में आते हैं तो मुझे मार्केट में आए दस साल हो गए ऑलमोस्ट टू थाउजेंड आई रिम्बर कि मैं पहले थर्टीन फोटीन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था और जैसे कि हर एक के साथ होता है कि उनका ब्रोकर कॉल करता है कि पूछता है कि यू you नो know, आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं तो मैंने बोला कि मैं म्यूचुअल फंड में तो करता हूँ मतलब अभी तक ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में एक्चुअली ऐसा कुछ किया नहीं ज़्यादा तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप यू you नो know, हम आपको रिकमेंड करेंगे आप स्टॉक्स वगैरह लीजिए जो फुल साइज़ ब्रोकर्स होते हैं मैं नाम नहीं लूँगा बट जो फुल साइज़ ब्रोकर्स होते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं उनका एक आर्य होता है जो कॉल करके आपको बताता है कि यू you नो know, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है ये स्टॉक ऐसा है हमारे रिकमेंडेड पिक में है तो मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी शुरू की क्योंकि पहले मैं बीपीओ में बीपीओ मेरा बिजनेस था कॉल सेंटर का इंटरनेशनल कॉल सेंटर का बिज़नेस था तो वहाँ से मैंने कुछ थे मेरे पास सेविंग्स जो मैं स्टॉक uh, मार्केट में इन्वेस्ट करता था और एक यंग एज होता है कि यू नो छब्बीस सत्ताईस साल के हुए तो यू नो एफ से कोई खुश नहीं होता सबको लगता है कि छः मिलेगा उसमें से चार तो इन्फ्लेशन में अगर जाए तो हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला तो ये सोचते कि कोई अच्छा रिटर्न देने वाला कुछ चीज़ है म्यूचुअल फंड ठीक है एस आई बी चल रहे वो तो लॉन्ग टर्म होगा वो बनेगा बढ़ेगा तब की बात है और तब ऐसा था कि नई गवर्नमेंट आई थी तो एक नया ये था सबको कि नो मार्केट अच्छा हो रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो न्यूज़ में बहुत आता है तो वो देख के मुझे भी ऐसा हुआ कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो 2015 से मैंने स्टार्ट किया फिर कुछ महीने हुए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ फिर आ, नहीं नहीं तभी वीकली एक्सपायरी भी शुरू हुई थी उसके बाद एक टाइम के बाद बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शुरू हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि यू नो स्टॉक्स तो ठीक है चल रहे हैं तो और रिटर्नस के लिए क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो उन्होंने बोला आप एफ ट्राई करो मैंने बोला ये क्या होता है तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप टेंशन मत लो हम आपको बताएंगे और हम आपको कॉल्स देंगे तो आप उस पर लेना तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं तो शुरुआत में ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा अरे यार ये सौ रुपये का ऑप्शन इमीडिएटली दो सौ रुपये स्टॉक तो ऐसे नहीं जाता कि सौ रुपये का हो गया और दूसरे दिन दो सौ हो गया ऐसा तो नहीं होता बट मैंने सोचा ये क्या चीज़ है इसमें तो रिटर्न अच्छा बन सकता है तो वो जो ग्रीड होती है जब न्यू कमर जो भी आता है आज भी जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो एक ग्रीड होता है कि अरे मार्केट इतना बढ़ रहा है तो लोग पैसे कमा रहे हैं तो मुझे भी कमाना है तो वो ग्रीड के कारण मैं उसमें आ गया फिर स्टार्ट में तो दो तीन लाख प्रॉफिट हो गया लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे दो तीन लाख प्रॉफिट हो गया तो मैं सोचा ये तो जादू की छड़ी है <laughs> इससे तो अपनी लाइफ बन जाएगी और फिर तो मैं सपने भी ये करने लगा की यार मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ बीपीओ का जॉब करता हूँ नो बिजनेस चला रहा हूँ रात भर जगना पड़ता है दस साल से कर रहा हूँ फिर भी इनकम तो है बट कुछ एक्सपोनेंशियल या फिर एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे तो कोई एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ता है किसी का मर्कज मारी बोलते हैं ना अपन कि कुछ नहीं है कि किसको देखना है ये करना है वो कुछ भी नहीं है अपन अपना अपना बैठो चार पाँच घंटा अगर काम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा और वो भी अच्छा खासा मिलेगा तो ये सोच से मैंने किया बट मेरे को एफ एक बीस्ट है और उसके पीछे क्या है वो कुछ नहीं पता था बस वो लोग बोल रहे थे रिकमेंड कर रहे थे तो वो ठीक रहा था फिर मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो जैसे शुरू कर दिया तो उसके बाद जो लॉसेस की जो बोलती ना नए नवीली दुल्हन है जिसके नौ दिन थे वो हो गए उसके बाद अभी प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन थी वो शुरू हो गई कि एफ के बारे में कुछ पता नहीं थीटा डी के क्या होता है डेल्टा क्या होता है ऑप्शन कैसे मेल्ट होते हैं एक्सपायर कैसे होते ये भी नहीं पता था तो वहाँ से शुरू किया फिर लॉसेस हो गए फिर पाँच छः लाख लॉस हो गया पहले साल में तो फिर एक हम बोलते हैं ना कि हम बिजनेस में कुछ सक्सेस करते हैं कोई बिजनेस में तो हम ये सोचते हैं कि वही रेप्लीकेट हम और चीजों में भी करें हर चीज में हम सोचते हैं कि हाँ इसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको दूसरे बिजनेस में भी ऐसे बढ़ाएंगे, वो ही बढ़ाएंगे वही सब कुछ यूज करके तो वैसा कुछ हुआ नहीं तो फिर मैंने सोच फिर वो ईगो पे बात आ जाती है अरे कहीं से तो भी मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है तो मुझे वो रिकवर करना है ये परफेक्ट है कि जब हमारा लॉस हो जाता है ना उसके बाद बात ईगो पे आ जाती है या तो मार्केट नहीं या नहीं। मैं मैं तो यही पे आ जाए आ गया कि मेरे को तो ये पैसा रिकवर करना है पाँच छः लाख रुपए लॉस हो गया तो रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होते गए और लॉस होते गए फिर साइकोलॉजी इफेक्ट होने लग गई फिर यही नहीं समझ रहा था कि शुरू कहाँ से करें फिर सीखना शुरू किया फिर ऑप्शंस के बारे में फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ होता है और उसमें तुम यू नो चार्ट देख के पढ़ाई करके ये कर सकते हो पहले पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कह रहे यार ये कैंडल ऐसे जाएगी तो पैसा बनेगा ऐसे कैसे हो सकता है या फिर ये ग्रीन होता है ये रेड होता है और ये ग्रीन बनेगा तो कॉल लेना है और रेड बनेगा तो पुट लेना है ऐसे कैसे होगा पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ फिर उसके बारे उसके पीछे का सब एनालिसिस देखा फिर वीडियोस देखे फिर एक दो बुक पढ़े फिर उसके बाद समझा कि अच्छा इसके पास इसके पीछे कोई साइंस है या फिर इसके पास पीछे कुछ हिस्ट्री है और इसका कुछ थाट प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि बस रेड और ग्रीन है बट रेड और ग्रीन के पीछे एक साइकोलॉजी है कोई है जो ये जिससे क्रिएट हो रहा है ये सब कुछ तो फिर 16-17 के बाद पढ़ाई शुरू की लॉसेज तो कंटिन्यू हो ही रहे थे और 18 हो गया 19 हो गया फिर ऐसा टाइम आ गया कि अब एक तो मेरे को मुझे बिजनेस छोड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा बट अभी वो लड़ाई चल रही थी दिमाग में कि ट्रेडिंग में तो इतना बड़ा लॉस हो गया तब तक मैं चालीस पैंतालीस लाख लॉस कर चुका था तो मैं बस को ये बताना चाहूँगा कि मैं वो लॉस कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई सप्लीमेंट्री बिजनेस था और उसमें से मुझे इनकम आ रहा था तो वो लॉस होने के बाद एक एकदम डिप्रेशन वाला फेज आ गया कि यू नो अपन सोचते हैं कि मेरे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी है तो घर वालों का बच बच जाएगा पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं बट पॉलिसी है तो घर वाले तो सुकून से रह पाएंगे ऐसा एक वो स्टेज आ गई थी वो स्टेज आ गई थी कि ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया था एनटीन तक बिकॉज वो टाइम पे क्या हुआ था कि आ, बिजनेस भी इतना अच्छे से नहीं चल रहा था बिजनेस में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे सब कुछ चल रहा था तो सब बोलते ना सगड़े एकत्र तो सब कुछ एक साथ आ गया था तो आ, फिर नाइनटीन से ये समझने लग गया कि रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है डिसिप्लिन कोई चीज होती है और आ, मनी मैनेजमेंट एक कोई चीज है जो

नो uh, you know, uh, हर दिन में दस पंद्रह हजार ही कमाना है या फिर हर दिन में लाख रुपए कमाना है ये नहीं सोच रखेंगे ये सोच रखेंगे दो दो हजार रुपये से शुरू करेंगे फिर वो uh, टाइम पे पे में टीवी चलता था uh, जी बिजनेस पे अनिल जी बोलते थे आज के दो हजार तो वहां से मैंने शुरू किया थॉट प्रोसेस था हाँ चलो अपन भी यहाँ से ट्राई करते शुरू करके कि दिन का अगर दो हजार मिल गया या फिर यू नो हफ्ते में कुछ पैसा मिल गया तो भी ठीक है अभी ये कोशिश करते हैं कि पैसा रिकवर नहीं करना है अभी ये कोशिश करते हैं कि सीखेंगे है कैसे ये जो चीज़ है देखो प्राइस मूव हो रही है मार्केट मूव हो रहा है रोज का लाखों करोड़ों का टर्न हो रहा है कोई तो पैसा बना रहे है। हम नहीं बना रहे दैट दैट मीन्स ये अपनी गलती है तीन साल इसमें लग गए कि ये सोचने में कि हम कर क्या रहे थे गलत कहा जा रहे थे और कि पैसा कहा जा रहा है जो मोस्ट डिसिप्लिन है उसके पास जा रहा है जो मोस्ट पेशेंट है उसके पास जा रहा है

ऑफलाइन सेशन में उन्होंने लाइव ट्रेड करके देखा आज तक मैंने ये पता था कि लोग प्रॉफिट करते करते हैं बट कैसे करते ये नहीं देखा तो में सब देख रहे हैं हंसते खेलते बोलते, बोलते बोलते दिन के लाख रुपए बन गए और समझ में भी, भी नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ yes, know, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं जैसे कोई जादू में, में से कुछ निकालता है वैसे ही वो ट्रेड करते हैं ये लो लाख रुपए आ रूपए okay, इसी हाँ. तरह से वो काम करते हैं हाँ, वैसा तो तो लास्ट पॉडकास्ट भी भी उनके साथ किया था राइट राइट तो तब हंसते खेलते उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी कि बाद में मैं सोचती अरे शिवा सर तो बता के चले गए सही बात है तो फिर वो जब देखा मैंने तब फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार ये बस टेक्निकल एनालिसिस नहीं है ये मार्केट की एक साइकोलॉजी मार्केट का मूव करने का एक तरीका है हमको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा हम आ, किसी दोस्त को अच्छी तरह कैसे जानते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर को कैसे जानते हैं अच्छे जब हम उसके साथ रहते हैं उनके टाइम टाइम स्पेंड करते हैं उनका नेचर समझते हैं बिहेवियर समझते हैं वो कब गुस्सा हो गए कब अच्छा मूड होगा ये सब जब हम समझेंगे तभी हम उससे रिलेट कर पाएंगे और तभी हम उसको उसकी चाल समझ पाएंगे ये जब मैंने समझा तब फिर जाके चेंज हुआ बट वहां पे भी थोड़ा एक इशू आ रहा था रिस्क मैनेजमेंट वाला तो जितेंद्र सिंह करके एक मेंटर है मेरे उन्होंने यह सिखाया कि तुम्हारा जो कैपिटल है वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनको खो सकते हो क्या बोला नहीं तो उन्होंने फिर कैपिटल कैसे खो सकते है? तुम अगर कैपिटल नहीं खो सकते तो तुम मार्केट में टिके हो अगर तुम टिके हुए तो तुम सीखोगे तुम सीखोगे तो पैसा बनाओ सही है तो ये जब मैंने सीखा तब जाके सारा जब Change हुआ कि psychology समझी market का समझा 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 फिर फिर पैसे कैसे manage करना वो समझा, उसके बाद फिर 2020 में मैं हो गया तो एक बात बताओ विजय भाई yes. आप स्टार्ट किए म्यूचुअल फंड से फिर आए कैश मार्केट में फिर आए एफएनओ में आपको स्कैल्पिंग

ये जो टेम्परेमेंट वाली जो बात है बहुत अच्छी है आपने बोली जब हम भी सिखाते सबसे सबको तो जब स्कैल्पिंग सिखाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है या फिर ये हम नहीं कर सकते तो टेम्परामेंट कैसे ढूंढना है या फिर टेम्परामेंट जानने के लिए क्या करना है हमको थोड़ा हमारे पास में जाना पड़ेगा हमको अपना नेचर समझना पड़ेगा कि मैं एज ए इंडिविजुअल कैसा हूँ क्यों क्योंकि हम जब मार्केट में आते हैं जब ट्रेड करते हैं हमारा रियल बिहेवियर बाहर आता है जो हमने कभी देखा नहीं होता जब हम लॉसेस करते हैं जब हम प्रॉफिट करते हम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं अगर हम ट्रेड होल्ड कर पाते हैं कि नहीं हम ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं ये सारे हमारे पास से आता है हमने अगर वो आ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इन द जोन में बुक पढ़ी होगी उसमें भी वो आ, वो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि जो लोग स्कैल्पर्स या फिर जो लोग यू नो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में या फिर वो लोग बहुत अच्छे होते हैं कि गेमिंग में करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों में होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होता है अभी शिवा का भी बैकग्राउंड देख लो बी में थे मल्टी करना पड़ता है मैं भी बीपीओ में था दस पंद्रह साल तो बीपीओ में क्या होता है कि बहुत आपको फास्ट टाइप करना है बहुत फास्ट आपको रिएक्ट करना है किसी से हम बात भी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उसको समझा भी रहे हैं उससे कुछ हमको चीज़ ये करना है कि उसको कुछ सेल करना है वो भी करना है और हमको कंप्यूटर भी काम करना है तो मल्टी की एक आदत हो जाती है तो वो एक नेचर बन जाता है हमारा और वो जब नेचर हमारे ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है तो मुझे ये चार साल के बाद समझा कि अरे यार ये बंदे ने जो किया मेरे को यही करना है या फिर ये जो कर रहे हैं मेरे को यही जमेगा दूसरा नहीं जमेगा या फिर मैं ऐसा नहीं टेम्परामेंट है मेरा कि मैं बहुत देर होल्ड करके बैठ सकता हूँ रिलैक्स हाँ चलो ठीक है नहीं मेरे को काम करने की आदत है मुझे कंटिन्यूसली कुछ रिएक्ट करना है या फिर कंटिन्यूसली कुछ देखना है तो इसलिए मैंने ये समझा कि मेरा टेम्परामेंट मेरे मेरे लिए मैच होता है कि मैं एज ए स्कैल्पर या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम में गेन कर सकता हूँ इसीलिए फिर मैंने अपने आप को उस हिसाब से फिर मैनेज करना सीख लिया फिर यहाँ पे मैं भी व्यूअर्स के साथ एक डिस्कशन करना चाहूँगी क्या होता है हम हर फील्ड में ट्राई करते हैं हम इन्वेस्टमेंट में ट्राई करते हैं हम ट्रेडिंग में ट्राई करते हैं फिर हम इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ये वो सब ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं लेकिन सक्सेस कब मिलती है जब हम खुद से ये ढूंढ लेते हैं कि मेरा टेम्परामेंट क्या है मैं किस टाइप के ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ और फिर उसी में मास्टरी करके आगे निकल जाए तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है नॉलेज के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन कुछ भी करो अपने कोई भी रूल्स बनाओ बट डिसिप्लिन फॉलो करो डेफिनेटली तो आप कह रहे हो कि आपको 10 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो हाँ. स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग पाँच साल हो गए पाँच साल में जैसे मार्केट्स डायनेमिक हैं तो कुछ चेंजेस भी दिखाई देते होंगे और आप बहुत उसके बहुत साथ कैसे अपने आप को अपडेट रखते हो बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं और ख़ास करके जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा चेंजेस उसमें होते हैं क्यों क्योंकि अब हम सुनते हैं जे स्टेट हो गया या फिर कोई बाहर के जो फंडस है जो आज ऑप्शन में बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो आज हम देखेंगे कि जो मार्केट है अपना खास करके ऑप्शन का मार्केट वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो गया ऑप्शन सेलर की तरफ हम देखेंगे कि आजकल हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्रेकआउट ट्रेड्स है वो बहुत फेल होते हैं या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड्स है वो बहुत फेल होते हैं क्योंकि जो ऑप्शन मार्केट है वो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम वाला हो गया पहले जैसे मंथली एक्सपायरी था या फिर जीरो डी वाले नहीं थे कि हर दिन एक कोई एक्सपायरी है तो ऑप्शन प्राइसिंग या फिर जो इंडेक्स का मूव था वो स्मूथ था समझो अगर ब्रेकआउट हो गया तो वो क्लीन ब्रेकआउट हो गया आपको सौ दो पॉइंट क्लियरली दे सकता था बट अभी वैसा नहीं होता अभी एक तो स्पाइक में देगा या फिर ऐसा होगा कि पहले ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर वापस से ये करेगा तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शन बायर को भी बहुत शॉर्टा टर्म टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ रहा है और ऑप्शन सेलर को भी इक्वली उसको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ता है या फिर आ, पहले क्या होता था कि समझो अगर कोई ऑप्शन दो अपने दो पे सेल मारा अगर शॉर्ट किया है तो वो अगर सौ आ गया तो वो वापस दो नहीं जाता था एक बार 200 से 100 आ गया 50 परसेंट अगर मेल्ट हो गया तो वो 200 आने के लिए बहुत मुश्किल होती थी बट अभी वैसे नहीं होता अभी 200 से 100 आ गया तो 100 से वापस 300 जाएगा 300 से फिर वापस वो जीरो होगा तो ये जो बिहेवियर चेंजेस है ऑप्शंस के ये बहुत ज्यादा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी अभी आपने एक वर्ड यूज किया जीरो जीरो डीटी डीटी क्या होता है जीरो डीटी ऐसा है कि समझो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एवरी बेनजे है फिर मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को है बैंक एकस की एक्सपायरी मंडे को है फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है सेंसेक्स की फ्राइडे को है तो एवरी एक्सपायरी है तो आजकल क्या हो रहा है ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा फ्लो उसमें आ रहा है सेलिंग में और बाइंग में भी कि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस दिन वो लोग वो वो चीज़ ट्रेड करेंगे या फिर वो इंडेक्स ट्रेड करेंगे तो जिस दिन एक्सपायरी है उसको जीरो डेटिव कि उस दिन ही एक्सपायर होना तो

चलो ये इंडेक्स ट्राई करके देखते हैं वो इंडेक्स ट्राई करके देखते हैं हमने पहले एक दो तीन महीने ट्राई किया बट फिर समझ में आया कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता हर हर एक्सपायरी नहीं ट्रेड कर पाएंगे क्यों नहीं कर कर, कर पाएंगे क्योंकि हर एक इंडेक्स का वैल्यू अलग है हर एक इंडेक्स का मूव करने का तरीका अलग है फिर जब हमने बाकी इंडेक्सेस ट्राई किए तो नहीं जमा क्योंकि फिर निफ्टी जो है उसका मूव करने का तरीका एकदम ही अलग है मिड कैप जो दस का इंडेक्स है बारह का भी हो गया है बारह हज़ार के इंडेक्स है उसका मूव करने का तरीका अलग है निफ्टी जो पच्चीस हज़ार है उसका मूव करने का तरीका अलग है बैंक निफ्टी जो पचास हज़ार है उसका मूव करने का इंडेक्स तरीका अलग है फिर सेंसेक्स से है वो जो अस्सी हज़ार का है उसका और ही अलग तरीक, तरीका है मूव करने का तो उस तरीके को या फिर उस मूवमेंट को गेज करना एवरी डे अलग 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 करना मुश्किल है तो मैंने ये सोचा कि अपना फोर्टे है बैंक निफ्टी अपन ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी तो बस उसके ही स्टिकअप रहेंगे और उससे ट्रेड करेंगे तो दो तीन महीने ट्राई किया मिड कैप भी ट्राई किया फिर निफ्टी भी किया सब सब ट्राई करके देखा बट फिर एट दी एंड जो बैंक निफ्टी पे आ, पकड़ बहुत ही हमारी जो एक रिलेशनशिप अच्छा होता है तो वो बैंक निफ्टी से ही है और फिर वही ट्रेड करते हैं अभी तो आप वही जीरो डीटी ट्रेड करते हो या नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड एक्सपायरी ट्रेड करते हैं समझो अभी वेनसडे एक्सपायरी हो गया

कि ये सोचना है कि अगले पांच साल हमको टिकना है तो रोज जीरो डीटी करके तो नहीं कर पाएंगे एक इंडेक्स को पकड़ेंगे उसको अच्छे से ट्रेड करेंगे अच्छे से फॉलो करेंगे तो वो बेटर रहेगा मैं भी सुन रही हूँ आप मुझे बता रहे हो सेंसेक्स बता, मतलब आपको इंडेक्स से इतना लगाव है स्टॉक से नहीं है स्टॉक से है बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हाँ तो जैसे पुराने ट्रेडर्स है बड़े ट्रेडर्स से सुना है कि वन इंडेक्स इज इनफ टू मेक अ लिविंग तो मैं सोचता कि उसको ज़्यादा फॉलो करें तो बेटर है अभी देखो इसमें एक थोड़ा चेंजेस जैसे हमने देखा है कि जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि लीडिंग इंडेक्सेस दो होंगे और बाकी के इंडेक्सेस मे बी मंथली एक्सपायरी में होंगे तो अब मैं सेंसेक्स भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी बिकॉज वीकली एक्सपायरी की एक आदत हो गई है कि वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना है मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम भी बहुत हाई होगा और मूवमेंट में भी उतना नहीं हो पाएगा तो वो सोच से फिर अब अपने आपको सीखने के लिए या फिर अडाप्ट करने के लिए ये सोच रहा हूँ कि सेंसेक्स भी मैं आ, सीखना शुरू करूँ तो बैंक निफ्टी तो है ऑलरेडी और उसके साथ फिर मैं सेंसेक्स भी सीखना शुरू कर रहा हूँ तो ये जो अभी रेगुलेशंस आ रहे हैं कि शायद बढ़ा देंगे वैल्यूएशन right. के 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 हिसाब से mm -hmm. तो क्या आपको लगता है कि कि रिटेल वालों के लिए भारी पड़ेगा ये नॉट uh, बिकॉज़ really. मैं ऐसा सोचता कि जो रियली really बहुत है ट्रेडिंग के बारे में जिसका घर चलता है उसके उपर, तो वो अपने क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था विजय को मालूम है कि नहीं, तो लॉट की जो वैल्यू होती थी ना वो दो लाख की होती थी वो दो लाख की करते करते पांच लाख पे पहुंची और पांच लाख पे जब पहुंची तो हमने देखा कि वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि बढ़ रहा था आज भी अगर ये बीस लाख की बात करते हैं तो हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स की जो लॉट साइज और उनको उनकी वैल्यू से करें तो पंद्रह लाख बारह लाख पंद्रह लाख तो ऑलमोस्ट तो है ही है तो कोई खास फरक, मुझे तो नहीं लगता है नहीं कि किसी को पड़ेगा बट इसीलिए आई एम नॉट श्योर sure. राइट हाँ, देखते हैं कि यू you नो know, क्या होता है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है या फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं बट मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ उसमें चेंजेस वॉल्यूम में तो भी ज्यादा चेंज नहीं होगा हाँ बस इतना ही हो सकता है कि जो जीरो डी वाला जो था जो वॉल्यूम आ रहा था वो थोड़ा कम हो जाए या फिर वो स्प्रेड uh, हो जाए तो वो कह रहे हैं ना कि वन एक्सपायरी uh, लेके आएंगे राइट सो ऐसा हो सकता है कि समझ में आ रहा है कि मे बी वो दोनों ही वीकली होंगे तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें, uh, हो जाएगा, में सुना है। मैं भी ऐसे ही करती हूं। mm -hmm. ऐसा कहते हैं कि हाथ बहुत फास्ट चलना चाहिए क्योंकि बहुत लोग गिव अप कर देते हैं right. आपके भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, right. मिले थे right. थे थे सर के स्टूडेंट्स भी बोलते वो इतना फास्ट जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता है मेरा हाथ नहीं चलता है एंट्री हो जाती है एग्जिट नहीं होती है इसके right. तो क्या आपको लगता है कि उसमें हाथ के फास्ट होने की बहुत जरूरत है देखो मुझे ऐसा लगता है की हाथ तो फास्ट होना जरूरी है बट उसके लिए थॉट प्रोसेस भी होना बहुत जरूरी है कि जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं स्कैल्पिंग में प्रियम्ट करना बहुत जरूरी है यानी कि मुझे क्या करना है ये पहले मेरे दिमाग में सोच होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा वैसा होगा तो वैसा करूंगा ये ऑलरेडी अगर मेरा ऑब्जर्वेशन में कंटिन्यूस प्रोसेस में हो तो ही मैं उसको रिएक्ट वैसे कर सकता हूँ अगर मेरे थॉट प्रोसेस में ही नहीं है तो वो मेरे हाथ तक नहीं आएगा मेरा ब्रेन मेरे को यह दिया देगा ना कि तुझे रिएक्ट करना है ब्रेन पहले बोलेगा कि तेरे को रिएक्ट करना है तो वो थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी चलना चाहिए कि मुझे अगर मार्केट ने ऐसा बिहेव कर रहा है तो मुझे इमीजिएटली ऐसा करना है या फिर ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली मुझे कॉल लेना है नीचे आएगा तो इमीजिएटली पुट लेना है ये मेरे थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी होना चाहिए जो मेरे ऑब्जर्वेशन जो मैं स्क्रीन देख रहा हूँ उसके लिए स्क्रीन रीडिंग बहुत जरूरी है स्क्रीन का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है फिर अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन का जो चार्ट है या फिर ऑप्शन का जो बिहेवियर है उसको समझना बहुत जरूरी है वो ऑलरेडी हमको उस बिहेवियर के बारे में पता होगा जैसे हम बोलते हैं ना कि समझो कोई दोस्त है अपना हम चार लोगों में बैठे हैं ओके तुमने कुछ अगर मैंने कुछ शब्द बोल दिया और आपने बस देख ले और आपने बोले, था का, है। कमेंट करनी थी जिस, जिसको हम कभी कभी सरकार भी बोलते हैं कि कोई कुछ बोल देता है चार लोगों को नहीं समझता बट जो उसका दोस्त होता है पास का उसको समझ आता है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस हिसाब से हमको मार्केट को भी देखना है या फिर जो इंडेक्स हम ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से हम तो इतना सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी तभी रिएक्ट कर पाएंगे फास्ट उसको मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप जो देख रहे हो सोच रहे हो वो उसमें फास्ट होना है हाँ। जो समझ रहे हो उसमें फास्ट होना है उसके बाद आपको एक्शन क्या लेना है उसमें फास्ट होना है और फाइनली एक्शन फास्टेस्ट होना चाहिए यस। ओके? अगर किसी से ये नहीं होता है ये सूट नहीं होता है तो क्या करें दूसरा कुछ ट्राई करें मार्केट तो एक समुंदर है मार्केट में तो आ, बड़ी भी मछली है छोटी भी मछली है अलग टाइप के ये भी है तो अगर हमसे स्कैल्पिंग नहीं हो रही तो हम मोमेंटम ट्राई ट्राई कर सकते हैं हम हायर टाइम फ्रेम पे ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे रिएक्शन टाइम इतना फास्ट नहीं हो अगर मैं पाँच मिनट देख रहा हूँ तो आप पंद्रह मिनट पे ट्रेड करो या फिर वन आवर पे ट्रेड करो या फिर डेली पे ट्रेड करो स्विंग ट्रेड करो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन इज नॉट एन नॉट द ओनली ऑप्शन बराबर ना ऑप्शन इज नॉट दी ओनली ऑप्शन अगर मार्केट में आना ही है पैसा ही कमाना है पैसा ही बनाना है तो वो तो उसके लिए तो हजार तरीके हैं कोई आर्बिट्रच करके बनाता है कोई ऑप्शन सेलिंग करके बनाता है कोई कैश स्टॉक्स में बनाता है कोई स्विंग ट्रेड में बनाता है कोई फ्यूचर्स में बनाता है पैसा तो सब लोग उस हिसाब से तो बना ही सकते हैं कोई इशू है नहीं तो बस हमको अपना टेम्परमेंट समझना है कि मेरे लिए क्या है क्या सफिशेंट है या फिर मेरे लिए अच्छा क्या है अगर अगर वो हम समझ पा, पाए कोई दिक्कत नहीं बस इतना ही होता है कि आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि अरे इसने लाखों बना लिए लिए इसने करोड़ों बना ये बना लिया वो बना लिया बट उसने अगर बनाए हैं तो उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है और उसका टेम्परेमेंट उसको मैनेज कर पाए हम वो मैनेज कर पाएंगे क्या अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा भले हमारी स्पीड कम हो बट हमारी लंबाई भी तो ज्यादा हो सकती है फिर हमारी जो कैपेसिटी वो भी तो लंबी हो सकती है तो हमको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा हम किसी को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है कि कोई लाखों बना रहे तो मुझे भी नहीं। वैसा नहीं हो सकता वो तो सबकी पॉकेट साइज अलग होती है राइट हाँ बट लोग आजकल उसी से कंपेयर करते कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ बट तरीका हमको हमारा तरीका समझना पड़ेगा उसका तरीका अलग हो सकता है जो हमको नहीं, नहीं पसंद है या फिर नहीं जमे बट मेरे को जो सूट होता है मेरे जो टेम्परमेंट को सूट होता है तो मैं फॉलो कर सकता क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है लोग वॉरेन बुफे सर की बात करते हैं राकेश जी झुंझुनवाला सर की बात करते yeah. हैं विजय केडिया जी सर की बात करते हैं और फिर ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है उनका पांच मिनट वाला होता है mm -hmm. तो दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है फिर वो तो पैसा कभी घर पे आएगा ही नहीं इट्स लाइफ लाइफ मार्केट एनीवेज आप स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग ट्रेडिंग एज ए होल सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा ट्रेडिंग तो एक जेनरिक टर्म है उसमें स्कैल्पिंग भी आ गया तो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो या फिर यू नो आ, स्विंग कर रहे हो वो भी ट्रेडिंग ही है मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट है वो ट्रेडर ही है हुँ. बस इतना ही फर्क है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो क्योंकि जब समझो राकेश वाला सर ने अगर कोई स्टॉक लिया है कभी ना कभी तो बेचने वाले हैं कभी 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 तो बेचा है तो उन्होंने ट्रेड ही लिया है आज लिया है दस साल बे, दस साल बाद भेजा है वो भी तो ट्रेड ही हुआ बट उसमें हम डिफरेंशिएट करते कि नहीं ये ट्रेडर है ये इन्वेस्टर है तो जो बस इतना ही डिफरेंस कर दिया है कि जो दस साल होल्ड करता है वो इन्वेस्टर हो गया जो

अगर किसी का कैपिटल है पाँच लाख तो वो क्या करेगा पाँच के पाँच लाख वो ट्रेडिंग अकाउंट में रखेगा और उसे ट्रेड करेगा तो वहां पे सबसे बड़ी ऑप्शन मायर की गलती होती है कि वो पाँच सॉरी पाँच लाख में वो ये ट्राई करेगा कि उसमें मेरे कितने लॉट बैठेंगे समझो मैं नौ सौ क्वांटिटी करूँ या फिर अठारह सौ क्वांटिटी करूँ तो वो सारे के सारे पाँच लाख रुपए लगा देगा राइट वहां पे क्या होता है रिस्क मैनेज होगा ही नहीं समझो अगर पाँच पाँच लाख रुपए में मैंने अगर नौ सौ क्वान्टिटी भी ले लिया तो तीन सौ रुपये का ऑप्शन है नाइन हंड्रेड क्वान्टिटी ले लिया तो मेरा जो रिस्क है वो दो लाख अस्सी है दैट मीन्स फिफ्टी परसेंट ऑफ माई कैपिटल इज ऑलरेडी एट रिस्क और ऑप्शन ये लेवरेज प्रोडक्ट है तो अगर वो बीस पॉइंट भी पीछे चला जाए तो नाइन टू जटीन तो अठारह हज़ार रुपये तो मेरे ऐसी चले जाएंगे तो मैं स्टॉपलेस कहाँ लगाऊंगा मैं रिस्क कैसे मैनेज करूँगा नहीं पॉसिबल है तो मैंने ऐसा सोचा कि हम ऐसे करेंगे कि समझो एक करोड़ कैपिटल है मुझे ऑप्शन बाइंग के लिए कितने पैसे की जरूरत है अगर मेरा कैपिटल एक करोड़ है तो मैंने ये सोचा कि उसको फ्रेमवर्क अगर करना है तो मैं ऑप्शन सेलर की तरह सोचूंगा अभी ऑप्शन सेलर की तरह कैसे सोचूंगा अगर कोई ऑप्शन सेलर को नेकेड बाय करना है कॉल या पुट तो उसको डेढ़ लाख रुपए लगता है एक लॉट के लिए बराबर तो मैंने कैलकुलेट किया कि एक करोड़ रुपए में उसके कितने लॉट आएंगे अगर उसको शॉर्ट करना है तो मैक्सिमम पंद्रह सौ क्वान्टिटी आता है मैक्सिमम पंद्रह सौ क्वान्टिटी आता है तो मैंने ये सोचा कि ऑप्शन सेलर को ऑलरेडी एक्सचेंज ने ही रिस्क मैनेजमेंट कर दिया है उसका एक्सचेंज ने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट कर दिया क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है तो मैंने ये सोचा कि हमारा अगर लॉस कंट्रोल करना है तो हम भी वही फॉलो करेंगे कैपिटल तो एक करोड़ रहेगा बट मुझे पंद्रह सौ क्वांटिटी लेने के लिए जितना कैपिटल लगता है उतना ही मैं मेरे अकाउंट में रखूंगा ताकि मेरे से पोजिशन साइजिंग भी गलत ना हो जाए या फिर मेरा रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो जाए फिर मैंने सोचा कि हाँ सिक्स टू सेवन लैक्स या मैक्स टेन लैक्स मैक्स डे टेन लैक्स से ज़्यादा मैं कैपिटल मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखूँ भले मेरे बैकअप में नाइन्टी लैक्स हो वो अलग बात है बट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दस लाख रुपये मैक्स रहेगा उसमें मेरा जो भी क्वांटिटी या फिर जो भी लॉट साइज बैठेगा मैं उस हिसाब से करूंगा उसके बाद ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि मुझे ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करना है मेरे कैपिटल को वो एक दो टक्के की बात करता है या फिर वो बोलता है कि मेरे को महीने में चार टक्का पाँच टक्का अगर मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ राइट हमने यही सोचा कि ऑप्शन सेलर ऐसे वो बोलता है कि पच्चीस तीस टक्का अगर साल में मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है तो मैंने वही सोचा कि ऑप्शन बायर तो आर बना सकता है अच्छा बट ये है कि वही अमाउंट में अगर हम अच्छे से रिस्क मैनेज करें तो हम लॉन्ग टर्म रह सकते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म टिके रह सकते हैं फिर सात लाख रुपए में पंद्रह सौ क्वान्टिटी आ जाता है अगर तीन सौ रुपये वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या हुआ कि मेरा रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज हो गया कि अगर मैं दिन में खोऊंगा तो मैक्स में सेवन परसेंट खोऊंगा मेरे कैपिटल का तो अगर कोई ये सोचे कि मेरा पाँच लाख रुपए का डिप्लॉयड कैपिटल है या फिर पाँच लाख रुपए कैपिटल उसका अगर मैं डिप्लॉय सिर्फ पचास हज़ार ही करूँ या फिर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पचास हज़ार ही और उसके पीछे भी मैं उसके फिफ्टी परसेंट साइज ही में अगर ट्रेड करूँ तो मेरा लॉस लिमिटेशन हो जाता है अगर मुझे प्रॉफिट ही करना है राइट मैं एक दिन में मेरे को हंड्रेड नहीं बनाना ना मुझे एक दो टका अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर मैं डिप्लॉय सात ही लाख कर रहा हूँ पर टोटल कैपिटल एक करोड़ है तो मैं सात लाख के हिसाब से ही सोचूंगा तो मैं ऐसे उसको फ्रेम करता हूँ कि समझो सात लाख रुपए है आज का दिन का समझो मेरा प्रॉफिट है थर्टी थाउजेंड तो सात लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं इसको निकाल दूंगा इमीडिएटली वो दिन पे विद्रॉ कर दूंगा तो दैट विल एक्ट एज एन इंश्योरेंस फॉर मी कि अगर मेरे को ड्रॉडाउन आता है या कुछ होता है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ बाद में तो समझो तीस हजार रुपये मैंने प्रॉफिट कर लिया सात लाख रुपए पे उसके बाद नेक्स्ट डे समझो लॉस हो गया तो क्या मैं वो तीस हजार ऐड करना चाहिए मुझे मैं तो नहीं करूंगी बस ये क्या आप भी मेरी तरह स्विंग इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो अपसर्स पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स

कि जब गलती होती है तो पनिशमेंट मिलती है तो बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया मैंने पी एन एल में देखा सब कुछ देखा कि जब लॉस होता है तो बड़ा होता है ये सबके साथ होता है मैंने भी बहुत बहुत आप हम दोनों ने लोगों को सिखाया होगा हर एक जन यही बोलता है कि ऐसा नहीं हमको ट्रेडिंग नहीं आता ट्रेडिंग तो आता है बट यही होता है कि सात दिन प्रॉफिट करते हैं और एक दिन में पूरे सात दिन का लॉस कर देते हैं ये इसीलिए होता है कि हम कैपिटल ही इतना रखते हैं कि हम उसको लूज नहीं कर कर सकते या फिर इतना बड़ा कैपिटल होता है या फिर इतना छोटा होता है कि वो इमिजिएटली एक दिन में ही चला जाएगा तो इसीलिए फिर मैंने ऐसा सोचा कि जिस दिन प्रॉफिट होगा निकाल देंगे जब तीन लाख रुपए तक आ जाएगा तभी मैं एक लाख रुपये एड करूंगा ऐसा नहीं कि मैं वापस उसको रिफिल करके सात लाख रुपए बना दूंगा क्योंकि ये ऑब्जर्व किया है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि समझो तीन लाख से मैं वापस अगर धीरे धीरे पंद्रह दिन महीने भर या दो महीने में अगर मैं वापस सात लाख तक चला जाऊं ना तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है क्यों क्योंकि हम हार गए थे सब जो या फिर एक लूजिंग स्टिक पे थे वहाँ से हम विनिंग स्टिक पे आ गए और हमारा कैपिटल वापस रिप्लेनिश हो गया फिर वहाँ से जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वीर वो हमको मार्केट में टिके रहने के लिए मदद करता है ये मैंने उस फ्रेमवर्क से सीखा है जो मैंने अपने आप के लिए बनाया अभी सब लोग अपने आप से बना सकते हैं बट मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होता है कि एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचे और ये जो हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज भी जो रूल चेंज कर रहा है कि ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत अच्छा है अगर ऑप्शन बायर भी ऑप्शन सेलर की तरह सोचे कि ठीक है उनका लॉट साइज जो है वो दो लाख पे होने वाला है समझो आज डेढ़ लाख है तो दो लाख हो गया या तीन लाख होगा तीन लाख पे हो गया तो उसने भी ये सोचा ना कि अगर मेरे पास तीन लाख रुपये नहीं है तो मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूँ मैं दूसरा कुछ कर लूँ या फिर मैं दूसरी चीज़ों से पहले एक्सपीरियंस गेन कर लूँ या फिर प्रॉफिट बना लूँ उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचूँ बट अगर मेरे पास तीन लाख कैपिटल नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूं या फिर एटलीस्ट मैं उसको सीखने के तरीके से ये सोचूं नहीं कि मेरे को एज अ ट्रेडर एज अ बिजनेसमैन मुझे वो चीज करनी चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ ये तो बहुत सही बात है कि हम जनरली ये नहीं सोचते हम एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही देखें कि भई 5 का ऑप्शन 500 हो जाता है बैंक निफ्टी का खास करके राइट right. और बस उसी लालच में हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं yeah. हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचते स्टॉप लॉस कैसे रखते हो फिर आप हाँ तो अभी ऐसा है कि समझो आ, जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में भी आ, जो बिहेवियर होता है हर ऑप्शन का अलग होता है फॉर एग्जांपल रुपए वाला जो ऑप्शन होगा उसका बिहेवियर अलग होगा उसको मूव करने का तरीका अलग होगा 200 वाला ऑप्शन होगा उसका मूव करने का तरीका अलग होगा

सौ रुपए वाला ऑप्शन ट्रेड करते हैं हम थोड़ा रिलैक्स रहते है हैं कि हाँ क्या दस परसेंट मूव हुआ या फिर दस परसेंट गिरा तो दस ही पॉइंट है हम पॉइंट के हिसाब से सोते कि दस ही पॉइंट है तो समझो मेरे पास नौ सौ क्वान्टिटी है तो मेरा नौ हज़ार का नुकसान हो रहा है या फिर नौ हज़ार का फ़ायदा हो रहा है बट जब हम दो सौ का ट्रेड कर रहे हैं तो वो दस परसेंट जल्दी मूव होगा जो सौ वाला ऑप्शन है वो दस परसेंट कम स्पीड में मूव होगा दो सौ उससे ज़्यादा होगा तीन सौ उससे भी ज़्यादा होगा और चार सौ उससे भी ज़्यादा होगा बिकॉज डेल्टा ऑब्वियसली उसका ज़्यादा है तो उसका स्पीड जो बढ़ने का स्पीड है वो भी ज़्यादा होगा और घटने का स्पीड भी ज़्यादा होगा तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो स्पीड के साथ ट्यून है कि नहीं ये पहले हमको समझना पड़ेगा और हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस से कंफर्टेबल है वो जो स्पीड है मूवमेंट का किससे कंफर्टेबल है वो हमको पहले सोचना पड़ेगा तो वैसे मैं सोचता हूँ कि मैं 200 250 या मैक्स 300 के ऑप्शन की ट्यूनिंग से मैं कंफर्टेबल हूँ कि उसका जो प्राइस मूव होता है 10 परसेंट ऊपर नीचे

वैसे ऐसा सुनते हैं हम लोग मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला मैं भी जब बहुत लोगों से मिलती हूँ खासकर के ऑप्शन राइटर्स को तो उनका ये कहना है कि बाइंग में स्केलेबिलिटी नहीं है ऑप्शंस बाइंग में राइटिंग में स्केलेबिलिटी है आप कितना भी बड़ा पैसा लगा सकते हो लेकिन बाइंग में आप उतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकते हो तो इसलिए स्केलेबिलिटी नहीं आएगी आपको ओके तो आप भी तो बायर हो राइट क्या भी ऐसा कुछ सोचते हो मैं तो ये सोचता हूँ कि बाइंग में स्केलेबिलिटी है डेफिनेटली कर सकते हैं बट हमारी थॉट प्रोसेस कहाँ पे हमको आ, लिमिट करती है ये पहले हमको सोचना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बात की कि ऑप्शन सेलर को कितना कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है समझो एक करोड़ पे वो पंद्रह सौ क्वांटिटी ले सकता है बट एज अ बायर हमको डिप्लॉय करना सात सौ लाख रुपए और उस उसपे हम वो पंद्रह सौ क्वान्टिटी ये कर सकते हैं तो सिंपल यही है कि समझो अगर ऑप्शन सेलर है दस लाख पे चार लॉक चार लॉट सेल कर रहा है और यहाँ पे ऑप्शन बायर है उसका भी कैपिटल दस लाख है बस उसको डिप्लॉय एक ही लाख करना है या फिर पचास हजार था ही करना है उसमें भी वो चार लॉट बाय कर सकता है तो दोनों का आर ओ आई तो सेम होगा बस इतना है कि डिप्लॉयड कैपिटल अलग हो सकता है तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आ, फिर बाकी के पैसों का क्या करते हो बाकी का पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करो एफडी करो बॉन्ड बाय कर लो जो भी है जो बेस तुमको आरओआई चाहिए वो तो मिल रहा है उसके ऊपर जो कैपिटल है उसके उसके साथ तुम कुछ भी करो डजंट मैटर मच कि एफडी में रख लो फिर भी छटका आएगा तो वो बोनस है या फिर तुम बॉन्ड बाय कर लो सात 7% आएगा वो भी ठीक है या फिर कोई स्टॉक्स बाय कर लो जिसमें मेबी यू नो 5 10% साल का आ जाए वो भी ठीक है 5 का 500 बिल्कुल नहीं <laughs> पहले बहुत सोचता था अभी बैंक निफ्टी 5 का 500 बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि यू नो अभी सबको पता है नो, फैमिली में कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो किसी दिन मूव आ जाता है तो सब पूछते हैं अरे आज तो बहुत छापा हो गया बोला नहीं क्यों क्या हुआ बोले आज देखा नहीं क्या तुमने कि अभी रिसेंटली हुआ था जब रिलायंस जियो का ये आया था अनाउंसमेंट आया था और सेंसेक्स टू से थ्री पी के बीच में चार पॉइंट ऊपर गया था तो सेवेंटी नाइन चल रहा था सेवेंटी नाइन एट चल रहा था और वो दो सौ हो गया था तो मेरे रिलेटिव का फोन आया कि अरे तूने तो आज लाखों रुपए बनाए होंगे मैंने नहीं मेरा जो एम टी था उतना हो गया था अरे क्या भागा आदमी तू कुछ तो कर लेता हमको तो लगा था तू दस पचास दस पचास हजार क्वान्टिटी ले लेगा ले पाँच रुपये वाला ऑप्शन और तू सौ रुपये पे बे बेचेगा मैं भाई मैं तो ढाई बजे का ट्रेड भी नहीं करता ज्यादा बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं ट्रेड करता हूँ तो तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना ये बायर के लिए सबसे बड़ा इश्यू है कि उसको लिमिटेशन ही नहीं पता कि ठीक है यार हम हम जैसे प्रॉप डेस्क लेते हैं हम हमारे ऑफिस में तो आ, हमको यही बताया जाता है कि पैसा बने ना बने दुकान दस साल चलना चाहिए यही हमको बताया जाता है ट्रेडिंग में कि तुम हीरो जीरो के पीछे पड़ोगे या फिर तुम यू नो दो सौ टका तीन सौ टका के पीछे पड़ोगे तो पैसा नहीं बनेगा तुमको यही सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा दुकान दस साल कैसे चलना चाहिए अगर दस साल चल गया पैसा तो तुम बनाओगे ही

जब भी ये बुल मार्केट आता है तो बहुत लोग जॉब छोड़ के yes. यहाँ पे आ जाते हैं सही बात है। और बेयर मार्केट में वापस वो जॉब मिलती नहीं है मिलती ऐसे सिचुएशन में वो फिर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में फिर हाथ अपना और घुसाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या आपका सजेशन है आ, ये मार्केट में जो लोग जॉब छोड़ के आना चाहते हैं मैंने भी एक टाइम था जब मैंने ऐसा सोचा था और क्योंकि मैक्सिमम एंट्रीज लोगों की जो हुई है राइट राइट वो तेजी में हुई है सही बात है कभी भी मंदी में किसी ने एंट्री की हो बहुत रेयर होंगे बहुत लेकिन जब मार्केट एकदम फुल बुल रन में तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आना आपने भी वही बताया तो हाँ अब तो आपके मुंह से एडवाइस सुनना चाहते हैं ओके तो जब हम फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि जब हम हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग का एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है जब हमारे पास बैकअप होता है और ट्रेडिंग का एक कॉन्फिडेंस अलग होता है जब हम लोन लेके या फिर कोई ऐसा पैसा लेके आते हैं मार्केट में जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम खो 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 दें उसको तो वो दोनों चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और लोगों की गलती वही होती है कि जब हम जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि, कि मेरे पास दो साल का बैकअप है क्या

तो बाकी के लिए तो मेरे लिए बोनस है अगर प्रॉफिट हो गया तो वो तो मेरे लिए बोनस है तो मेरी साइकोलॉजी ऐसे ही मैंने बनाई है कि आ, मैं पहले ये सोच लेता लो कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है या फिर वर्ष क्या हो सकता है समझो तो मैंने दो लाख रुपए डिप्लॉय किया तो कोई ट्रेड में तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता पहले कि दो लाख ही जाने वाला है इसके ऊपर अगर आ गया तो ये मेरे लिए बेनिफिट है बट नहीं गया तो मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हु कि अच्छा ठीक है अगर ये ट्रेड में मेरे दो लाख रुपये लॉस होगा तो इज दैट एक्सेप्टेड और इज इट आई एम आई गोइंग टू लूज माई स्लीप ओवर इट मैं अपनी नींद खराब करूंगा क्या वो पैसे के लिए अगर वो पैसा आपने लाया है और आप उसके लिए कंफर्टेबल हो तो ही आप वो ट्रेड लेना अच्छी बात है या फिर तो ही आप ट्रेडिंग में रहो अगर नहीं है वो पैसा आप खो नहीं सकते तो रुक जाओ स्टॉक्स कर लो बाकी चीज़ें कर लो म्यूचुअल फंड में कर लो जैसे हमने बोला कि ऑप्शन इज नॉट दी ओनली ऑप्शन एक बात बोलती हुई मैं कभी भी जनरली मार्केट के बाद ही शूट्स करती हूँ right. आप आए हो तो मैं मार्केट टाइम में शूट कर रही हूँ right. और ठीक है मेरा मार्केट आज के लिए साइड हो गया right. लेकिन फिर भी मैं मार्केट छोड़ना नहीं चाहती right. और आप सामने हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती <laughs> तो okay. आप मुझे अपनी अच्छी सी कोई स्ट्रेटेजी बताओ Definitely. मैं भी दो पैसा कमा सकूनेटलीफिनेटली <laughs> <Definitely, definitely. laughs> <definitely. laughs> मैं ट्राई करूंगा जो, जो मुझे थोड़ा बहुत हाँ. उसमें से मैं करूंगा कि कोई एक स्ट्रैटेजी सबके लिए हो. हाँ. तो हम चार्ट देखेंगे और उसके ऊपर साथ साथ में आपने अभी तक जितनी बातें की है कैसे फटाफट सोचना है कैसे एक्शन लेना है कैसे देखना है क्या देखना है खत्म वो चीज हमको करेक्ट ओके बाकी तो फिर हम आपसे डिटेल में सीखेंगे हाँ। आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमको डिटेल का एक सेशन दीजिए तो जिसमें हम आपसे डिटेल में सीखें कि कैसे करा जाए ओके तो अभी तो आप हमें इस पे बताइए तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पे आ... थोड़ा आइडिया देंगे क्या क्या यहाँ पे मैं कुछ चीजें यूज करता हूँ जैसे कि मूविंग एवरेजेस है ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड ओके और ये है ओके okay. तो वीवैप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे हो रहा है या फिर एवरेज प्राइस क्या है पूरे दिन की उसके लिए यूज होता है और बाकी मूविंग एवरेजेस हमको ये बताते हैं कि ट्रेंड कौन से साइड में है और मार्केट का डिरेक्शन क्या है तो थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल है कि जब हमको ट्रेडिंग करना है समझो आज के लिए ट्रेडिंग करना है और व्यू बनाना है तो व्यू क्या बनाना है कि मूविंग एवरेजेस कैसे है मूविंग एवरेज कौन से साइड पे है और जनरल uh, डायरेक्शन क्या है मार्केट का फॉर एग्जांपल जैसे हम तीन दिन देखे लास्ट तीन दिन देखे तो क्या हो रहा था मूविंग एवरेजेस सारे साइडवेज है तो जब साइडवेज है तो मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है चेंज इस तरह से होता है कि uh, मुझे स्कैल्पर बनना है समझो अगर मेरे को साइडवेज मार्केट है तो उसमें अगर पैसा बनाना है तो मुझे स्कैल्पिंग करके बनाना पड़ेगा स्कैल्पिंग मतलब क्या कि मुझे छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे ट्वेंटी थर्टी पॉइंट्स ट्वेंटी थर्टी पॉइंट्स ऐसे वाले मुझे ट्रेड लेने पड़ेंगे और जब मूविंग एवरेजेस एक्सपांड हो जाते हैं तब फिर मुझे मोमेंटम के लिए सोचना है तब मुझे हायर रिस्क रिवॉर्ड के लिए सोचना है कि समझो अगर मेरा रिस्क तीस पॉइंट है चालीस पॉइंट है तो मेरा रिवॉर्ड भी अस्सी पॉइंट होना चाहिए या फिर सौ पॉइंट होना चाहिए तो उस तरह से मैं अपनी सोच को मॉडिफाई करता हूँ जब भी मूविंग एवरेजेस जिस तरह से है अभी ये फाइव मिनट हो गया तो अगर मुझे व्यू बनाना है तो मैं क्या करूं पहले तो वन आवर में मैं क्या देख रहा हूं कि मूविंग एवरेजेस डाउन स्लोपिंग है दैट मींस हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बरिश है मार्केट बट लोअर टाइम फ्रेम पे जो कि इंट्रा है या फाइव मिनट उस पर उस पर थोड़ा बुलिश है दैट मीन्स क्लियर डायरेक्शन नहीं है फिर क्लियर ट्रेंड नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम भी सब कुछ ये चल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम भी uh, एक ही सिंक में है तो जब दोनों भी इतने सिंक में नहीं है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा

Uh, किस टाइप का मार्केट हो सकता है और मुझे अपने आप को उस हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है ओके फॉर एग्जाम्पल अगर ट्वेंटी एम के ऊपर है तो अगर हम ये देखेंगे कि ग्रीन कैंडल्स कितने अच्छे आ रहे हैं बुलिश पोजिशन बन रहा है जैसे कि मूविंग एवरेज ऊपर बट अभी के फिलहाल में कुछ पंद्रह दिन बीस दिन के बाद क्या हुआ है कि जब यह ट्वेंटी एम ब्रेक हुआ है उसके बाद मार्केट एक रेंज में वॉल्टाइल हो गया है जैसे कि हमने डिस्कस कर किया था कि यू नो 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है कैप अप हो रहा है फिर वापस दूसरे सेल ऑफ होकर वापस नीचे आ रहा है तो आ ये देखिए ना यहाँ पे हाँ तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो क्या हो गया कि फिफ्टी ईम के नीचे है और हंड्रेड ईम के ऊपर है तो दोनों ई के बीच में फंस गया है मार्केट अगर उसको ब्रेक डाउन करना है तो बड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है जो कि टू हंड्रेड ई आ सकता है अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है तो ट्रेंड चेंज करने के लिए उसको जाना पड़ेगा ट्वेंटी ईम के ऊपर जो कि है फिफ्टी वन थाउजेंड सेवेंटी तो मैंने व्यू मोटा मोटी क्या बना लिया कि अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है बुलिश बहुत अच्छे से होना है तो उसको इसके ऊपर होना चाहिए जो कि कोइंसिडेंटली गैप भी है फिफ्टी वन वन हंड्रेड टू हंड्रेड का और नीचे अगर उसको और बैरिश होना है या फिर ब्रेक डाउन करना है तो उसको फोर्टी नाइन सेवन फिफ्टी एट हंड्रेड यह ब्रेक करना पड़ेगा तो ये मेरे लिए व्यू बन गया कि हजार पॉइंट का रेंज है अगर हजार पॉइंट मूव करेगा हजार पॉइंट का कोई रेंज ब्रेक करेगा तभी स्ट्रांग मोमेंटम आएगा तब तो कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं आने वाला तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे को स्कैल्पिंग वाला सोचना है या फिर छोटा बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म मोमेंटम कि पच्चीस पचास पॉइंट मिले सौ पॉइंट मिले काफ़ी है निकल जाओ वापस ट्रेंड चेंज करो तो दोनों साइड का व्यू रखना है मुझे बुलिश भी रखना है बैरिश भी रखना है तो मैं अपने आप को फिर जब मैं एनालिज करता हूँ मार्केट चालू होने से पहले तो ऐसे एनालिज कर लो तो पहले कि, कि किस टाइप का मार्केट है मुझे किस टाइप का बिहेवियर एडॉप्ट करना है वो टाइम के लिए हाँ जब मोमेंटम है तो फिर मैं कोई ट्रेड के लिए सौ पॉइंट के लिए या दो सौ पॉइंट के लिए भी वेट करूंगा बट नहीं है मोमेंटम तो ये मेरे को समझना है तो आपका बोलने का मतलब जब सब मूविंग एवरेज के आइर ऊपर है हाँ, तो मतलब मोमेंटम है बराबर और सभी मूविंग एवरेज के नीचे, नीचे है, है तो मोमेंटम है, तो, तो, है तो आप बड़ा पैसा निकालने की कोशिश करोगे बराबर, लेकिन अगर दो मूविंग एवरेज के बीच में फंस गया, गया तो फिर आप स्कैल्पिंग करके छोटा छोटा पैसा निकालने की कोशिश करोगे जब तक उस डेली पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसको आप लोवर टाइम फ्रेम में ले जाके और उसी ढंग से कितनी देर पे बाय करना है कितनी देर पे होल्ड करना है कितनी देर पे सेल करना है वो आप उसको

मिनट मिनट में में क्या बोल रहे हैं? फ्रेश हाँ। में वापस अगर हम देखे कि हो? वापस कैंडल क्लोज करे ग्रीन क्लोज करे, करे तब फिर मैं बड़ा ट्रेड के लिए प्लान करूंगा क्यों क्योंकि ऊपर गैप है सौ दो पॉइंट का गैप है तो मैं अच्छा बड़ा ट्रेड कब प्लान करूंगा जब ये, ये करूंगा को अगर हम देखें लास्ट थ्री डेज का भी रेंज यही है तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सोच रहे हैं हम मोइंग एवरेजेस को उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं तो प्राइस हाई लॉज और आ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारों को कोरिलेट करके हम एक सेटअप बना रहे हैं एक थॉट प्रोसेस बना रहे हैं कि अगर मेरे को बड़ा ट्रेड लेना है बुलिश ट्रेड लेना है तो ये उसके ऊपर होगा अगर बड़ा मेरे को बेर ट्रेड लेना है तो मेरे को इस लो के नीचे लेना है बस ये सिंपल हो गया अभी इसके अंदर मेरे को स्कैल्पिंग करना है स्कैल्पिंग में मेरे को ट्वेंटी फाइव थर्टी पॉइंट मिल गया कोई ट्रेड में आई एम हैप्पी दैट मैं उतना ट्रेड लेके साइड में हो जाऊंगा अभी उसमें भी थॉट प्रोसेस कैसे बनाना वो अपन देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पंद्रह मिनट में देखा तो सारे मूविंग एवरेजेस नीचे हैं पांच मिनट में देख रहे तो सारे मूविंग ऊपर है दैट मीन्स हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं हुआ लोअर टाइम फ्रेम यानी पांच मिनट पे तो हो गया बट हायर पे नहीं हुआ हायर पे कब होगा जब ये जो हाई आज का ये हाई क्रॉस करेगा तब हाई टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि थोड़ा ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया तो तब तक मुझे क्या करना है मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे वेट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर हम देखें अभी अभी मेरे को ऑप्शन ट्रेड करना है मैंने इंडेक्स तो देख लिया स्पॉट देख लिया बट अभी ऑप्शन ट्रेड करना है ऑप्शन की चाल अलग होती है मूव करने का तरीका अलग होता है तो फिर उसको मैं कैसे देखूंगा अभी फॉर एग्जाम्पल स्पॉट कितना चल रहा है फिफ्टी थाउजेंड ओके तो मुझे क्या करना है मेरे को सेलर का दिमाग पढ़ना है पहले क्यों क्योंकि वो सबसे बड़ा पैसा लेके आ रहा है मार्केट में तो ही इज मोर वाइजर आई वुड से वो ज़्यादा होशियार है मेरे से क्योंकि वो बड़ा पैसे लेके आ रहा है तो मैं क्या देखता हूँ ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए uh, थीठा डिखे होना चाहिए या फिर uh, जो ऑप्शन प्रीमियम है वो मेल्ट होना चाहिए ओके okay. और मोस्टली हम देखते हैं कि ऑप्शन uh, सेलिंग में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट स्ट्रैटेजीज एलगोज या फिर बड़े पैसे की वो होती है स्टैडल या फिर स्टैंगल राइट right? तो मैं क्या सोचता हूँ पचास हजार पांच सौ पचास उसका नियरेस्ट कौन सा है? राउंड नंबर राइट? पुट मैंने मैंने लगा दिया मेरे लिस्ट में. वो मैंने देख लिया बाकी का डिलीट कर देते हैं. बस दोनों पे फोकस करतेवन चल रहा है क्यों इसका हाँ कितना है पचास पाँच सौ कॉल का है आज का फाइव हंड्रेड एंड नाइन वहां से डेढ़ सौ पॉइंट नीचे है कॉल बराबर और पुट पुट का हाई कितना है आज का फोर एटी फाइव और अभी चल रहा है तीन सौ सत्तर दैट मीन्स उसमें भी सौ पॉइंट नीचे है तो अगर कॉल और पुट दोनों भी हाई और लो के कहीं भी करीब नहीं है हाई के भी करीब नहीं है लो के भी करीब नहीं है तो एज अ ऑप्शन बायर मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बिकॉज अगर ऑप्शन सेलर कंफर्टेबल है तो मार्केट तो साइडवेज रहेगा बिकॉज उसको जो पैसा मिलना था थाडल से जो मेल्टिंग में से जो पैसा मिलना था पचास साठ पॉइंट तो उसको आगे तो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो सबसे अच्छा ट्रेड कहा बनेगा मेरे लिए कि जब कॉल का हाई अगर ब्रेक होगा तो बनेगा सेम टाइम पुट का भी लो ब्रेक होना चाहिए या फिर पुट का हाई ब्रेक होना चाहिए और कॉल का लो ब्रेक होना चाहिए तभी मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा ना hmm. सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर गलती कहा करता है यहां पे हमको प्राइस दिख रहा है कि साइडवेज है बट वो क्या सोचेगा अरे ट्वेंटी में ब्रेक करूँ तो इमीजिएटली फिफ्टी एम ए वाला ट्रेड ले जरूरत नहीं रुकेंगे थोड़ा देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे पहले स्टैडल का प्राइस चेक कर लेंगे अभी फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो सोच लिया कि स्टैडल कहाँ जीत रहा है ओके अभी मुझे क्या देखना है कि समझो अभी ट्वेंटी ब्रेक करेगा स्पॉट ट्वेंटी एम अगर स्पॉट ब्रेक करेगा तो मुझे ट्रेड लेना है ऐसा मैं अगर सोच रहा हूँ बट मेरे को ऑप्शन चार्ट बता रहा है कि मेरे को ट्रेड लेना चाहिए नहीं बता रहा है क्यों क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस पुट के नीचे है तो पुट को अगर मेरे को कंफर्मेशन चाहिए अभी ऑप्शन सेल किया है दोनों साइड ऐसे समझे हम स्टैडल सेल किया है तो स्टैडल का एवरेज क्या होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर पुट ऑप्शन है पुट ऑप्शन का वीवीएप कहाँ पर थ्री नाइनटी फोर पे बराबर कॉल का ऑप्शन का वैप अपन देख लेते एक बार कॉल का ऊपर है थ्री नाइन्टी वन देखो कोरिलेशन कैसे हो रहा है मैम ये भी गिर रहा है हाँ कोरिलेशन बट कैसे हो रहा है देखो ना आप कि कॉल का जो वी वैप है थ्री नाइन्टी वन पुट का वीवेप है थ्री नाइन्टी फोर तो एक्चुअली जीत कौन रहा है या फिर पैसा कौन बना है सैलरी बना रहा है क्योंकि दोनों का वीवेप सेम है तो अगर मुझे कोई भी साइड ट्रेड लेना है तो मुझे कब लेना चाहिए जब कोई भी ऑप्शन का वीवैप ब्रेक हो जाए अगर मुझे पुट लेना है समझो थ्री सेवेंटी टू अभी ये पुट चल रहा है अगर मुझे पुट लेना है तो मुझे एटलीस्ट वी वैप को तो क्रॉस करना देना चाहिए क्योंकि वो उसका एवरेज प्राइस है आज के दिन का तो ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है अगर मुझे ट्रेड लेना है या फिर मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए भी रिएक्ट कर रहा हूँ ये सारे थॉट प्रोसेस में पहले अपने दिमाग में उसको रिवाइंड कर रहा हूँ बार 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 कि अच्छा ये देखना है वो देखना है ये देखना है फिर ऑप्शन सेलर कहाँ जीत रहा है या फिर ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है उसको पैसे कैसे मिलेगा या फिर उसको अगर स्पाइक चाहिए अगर बायर को स्पाइक चाहिए तो कहाँ मिलेगा बायर को स्पाइक चाहिए तो उसको ऑप्शन उसके वी के ऊपर मिलेगा ना उसके पहले तो कुछ नहीं हो रहा है देखो कैंडल तो वैसे बन रहे है तो अगर मोमेंटम मिलेगा तो उसके ऊपर मिलेगा और अगर ऑप्शन कॉल भी देखे तो सिंपल है कि अगर वो वीवेप के ऊपर जाएगा तभी मेरे को उसको मोमेंटम मिलेगा तो अभी मेरे को कुछ करना ही नहीं है और सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे लॉस करेगा बायर ओके okay. मतलब हमको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आज बायर का डे है, या, है नहीं या नहीं है, नहीं है। सुबह था ना सुबह था मिल गया पैसा बना लिया बट अभी नहीं है तो अभी नहीं कुछ करना अभी रुक जाएंगे तो मार्केट के बाद भी आप प्रैक्टिस करते हो ऑब्जर्वेशन yes. तो करना ही पड़ता है मैम देखना तो पड़ता ही है कितना घंटा एक घंटा तो भी एक से डेढ़ घंटा तो भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इंडेक्स कहाँ पे है ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं ऑप्शंस का प्राइसिंग क्या चल रहा है इतना टाइम निकाल पाते हो हंड्रेड परसेंट मैम ये तो रोजी रोटी है बिजनेस है ये लाइफ है अपने लिए तो उसमें टाइम निकालना ही और उस पर ही काम करना है अगर लाइफ है तो यू नो आ, बोलते ना कि जो प्रिपरेशन होता है जो भी स्पोर्ट्स में हम प्रिपरेशन करते हैं हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो नेट प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं छः आठ घंटा टाइम स्पेंड करते तभी जाके वो वो सिक्स मार पाते या फिर फोर मार पाते तो हमको अगर कोई बिजनेस में है जिसमें रियल लाइफ चीज़ें चेंज होती है इमिजिएटली तो उसको पहले प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि एक डेढ़ घंटा दो घंटा देना ही पड़ेगा रोज का तभी हम ये समझ पाएंगे ये देख पाएंगे अब ये जो ऑब्जर्वेशन आए ये कहाँ से आए बार 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 देखते रहेंगे देखते रहेंगे ऑब्जर्व करते रहेंगे तभी वो आएगा क्योंकि मैं भी जब रिंग में जाती थी तो मैं देखती थी कुछ बड़े ब्रोकर्स होते थे वो स्टडी करते थे आफ्टर मार्केट तो मैं उनसे यही कह रही थी अंकल जी आप क्या कर रहे हो बोला मैं स्टडी कर रहा हूँ मैंने कहा मार्केट तो बंद हो गया बोला अगर अभी स्टडी नहीं करूँगा तो कल क्या करूँगा तो मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए बोला बिल्कुल करना चाहिए वहाँ से मेरी भी आदत हो गई है रोज के दो घंटे प्रैक्टिस करने की तो वही मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ कि क्या मैं अकेली प्रैक्टिस करती हूँ या आप लोग भी करते हो या हर एक जिसको पैसा कमाना है वो करता है यस yes. हमको अगर पैसा कमाना है ना तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना विजय भाई ये सब देख के तो मुझे लग रहा है कि इट इज अ टफ जॉब ऑफ कोर्स नॉट सो इजी इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस बड़ा प्रैक्टिस चाहिए लेकिन जिसको भी देखते हैं सुनते हैं यही कहते हैं कि सेबी ने कहा है कि भाई नाइन्टी परसेंट फाइव और सेवन और एट टेन परसेंट लोग जो है वो कमाते हैं तो क्या ये ऐसा प्रैक्टिकल मुझे ये बताओ कि ये नाइन्टी परसेंट का रेशियो

तो मैं ऐसा सोचता हूँ मैम कि अगर मैं लॉस करना छोड़ दूँ या फिर मैं लॉस कम करू या फिर मैं मेरा कैपिटल लॉस नहीं करूँ तो मैं ऑलरेडी टेन परसेंट लोगों में आ गया बराबर मैं टेन परसेंट लोगों में आ गया तो मेरे लिए कॉम्पिटिशन नाइन्टी परसेंट कम हो गया सिर्फ मेरे को अगर मैं मेरा कैपिटल है वो बस इंटैक्ट करूँ फिर भी मैं टेन परसेंट में हूँ और मैं अगर मेरी एक्सपेक्टेशन कम कर लूँ रिटर्न की फ्रॉम ट्रेडिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो भी है अगर मैं मेरी एक्सपेक्टेशन कम कर लूँ और मैं ये सोचूं कि मैं साल का बारह या पंद्रह टक्का बनाऊँ फिर भी मैं टॉप फाइव परसेंट में आ जाता हूँ तो इससे अच्छा चीज़ क्या हो सकती है कि हम एफर्ट डालें हम प्रैक्टिस करें हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें हम अपने पैसों की मैनेजमेंट अच्छे से करें तो हम ये बिजनेस में नाइन्टी फाइव परसेंट के ब्रैकेट में आ जाते हैं और उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेशन पंद्रह बीस टक्के रखें साल की

टाइम निकाल के आए और इतना अच्छा और सिंपल तरीके से हमको समझाए इससे अच्छा और हमको क्या चाहिए एंड hmm. फ्रेंड्स आप हमारे कमेंट्स और लिख सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो लाइक like भी करिए शेयर भी करिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए जो ये सीख सकते हैं इसके अलावा आप और किन लोगों के साथ सीखना चाहते हो हमें कमेंट्स में लिखिए हम उन्हें बुलाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे और आपको भी गाइड करेंगे थैंक यू सो मच मच